स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती परिवार में। मैं कुणाल गुरु, आज हम लोग पढ़ेंगे छिपे हुए पद को निकालना। परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो बहुत तरीके का पूछता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी जल्दी मतलब तुरंत आपका क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या बनाएंगे जो ज़्यादा जल्दी बन जाए और कितना क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको इस बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में आपका एक वृत्त बनाया गया है ना, वृत्त आपका बनाया गया है। उसके बाद वृत्त के ऊपर 6 लिखा है, वृत्त में 4 लिखा है, 7 लिखा है, 5 और आपका 0 लिखा गया है। ये आपका फोटो दिया गया है। दूसरा क्या है, आपका वैसा ही वृत्त बनाया गया है 4, 7 और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा वाला जो वृत्त में है वो आपका 0, 2, 2 और 11 और यहां क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये मेरे पास तीन फिगर है मेरे पास, इसमें से 2 फिगर के बारे में बताया गया। ये आपका पहला फिगर, ये आपका दूसरा फिगर और ये आपका तीसरा फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 3 फिगर दिया गया है। अब इस तीनों फिगर में से पहले 2 फिगर में आपका इसमें और इसमें आपका पैटर्न बताया गया है और हमसे पूछ रहा है कि ये बीच वाले वृत्त में क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या कि पहला और दूसरा वाले फिगर में क्या क्या किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग छोटा अंक लेंगे। क्या लेंगे, छोटा अंक से हम लोग मल्टीप्लाई गुना स्क्वायर करेंगे, क्योंकि छोटा अंक ज्यादा आसान होता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहां पे कि 6 और 5 दोनों को घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, 7 और 4 दोनों को घटाएंगे फिर भी 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 क्या हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा और 7 और 4 कितना हो जाएगा मेरा, ये भी 11 हो जाएगा, बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0। तो यही 0 को यहाँ पे लिखा गया है, मतलब दोनों को जोड़ के, सामने सामने वाले दोनों को जोड़ के और इसको भी जोड़ के घटा दिया गया है, तो मेरा उसका क्या हो रहा है, रिजल्ट मेरा बीच वाला आ रहा है। इस फिगर में भी हम लोग वही चेक कर लेंगे, जैसे 7 और 6 कितना हो जाजाएगा, 7 और 6 आपका 13 हो जाएगा और आपका माइनस 8 और 4 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 और यही 1 आपका यहां भी दिया गया है। तो जो आपका ट्रिक ये वाला फिगर में लग रहा है, जो ट्रिक आपका ये वाला फिगर में लग रहा है, वही ट्रिक हम लोग ये वाले फिगर में भी क्या करेंगे, लगाएंगे। तो 11 में से अगर 11 और 2 जोड़ेंगे, 11 2 कितना हो जाएगा 13, माइनस करेंगे, ये 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होने वाला है, तो यहां 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 11 यहां पे लिख देंगे। देखो ऑप्शन में जो है आपका 11 नंबर सी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो आया समझ में, चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो काफी खतरनाक क्वेश्चन है और काफी अच्छा है, जिसमें आपको ट्रिक का पता नहीं चलेगा कि इसका कैसे अरेंजमेंट किया गया है, इसका आपका पैटर्न क्या है। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर से हम लोग बनाएंगे। ध्यान देना कि सबसे छोटा नंबर से उठाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। ये 7 आपका दिया गया है, 45 और ये 32 दिया गया है, ये 13, 54 दिया गया है और हमसे पूछ रहा है, यहाँ वाला हमसे अंक पूछ रहा है, यहाँ वाला अंक आपका छिपा हुआ है, यही अंक हमसे पूछ रहा है और ये सब तो आपका बड़ा बड़ा नंबर है। तो हम लोग छोटा नंबर वाला 7 है। अब देखो 7 में या तो कॉलम से कुछ किया गया होगा या तो रो से कुछ किया गया होगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 45 में से आपका 7 जाएगा तो आपका 32 नहीं आने वाला है, 45 में से अगर 7 जाएगा तो 32 नहीं आने वाला है। अगर 7 का 2 गुना भी कर दें तो 45 में से घटाएंगे तो भैया 31 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 144 में 27 जाएगा, 68 नहीं आने वाला है। तो देखो यहाँ किया क्या गया है, आपका 13 लिखा गया। ठीक है, अब 13 रो वाले में नहीं जाएंगे या आपका रो वाले में नहीं जाएंगे, कॉलम वाले में आएंगे तो 13, 7 और 27 होगा, 54, 45 और 144 होगा। यहाँ खाली पद है 32 और यहाँ 68 होने वाला है। हम लोग कॉलम में चले आते हैं तो 13 में 7 है तो 13 में अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आने वाला है क्या, आपका 13, 7 कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। यहाँ दिया क्या गया, आपका 27 दिया गया, मतलब हमको 7 और चाहिए। तो 7 और चाहिए कहने का मतलब इसको हम लोग अगर 2 से गुना करेंगे तो आपका 7 दूना 14 और 13 और प्लस 14 बराबर 27 आ रहा है क्या। चलो
तो मेरा 27 तो यहाँ आ गया है। अब यही पैटर्न पे हम लोग दूसरे वाले को भी चेक करेंगे। जैसे ये 54 हो जाएगा और प्लस 45 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 54 हो जाएगा और प्लस 45 गुना कितना होता है, 90 होता है। 95 कितना हो जाएगा, 14 और 144। तो ये वाला भी मेरा फॉलो हो रहा है, ये वाला भी मेरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ये वाला पद निकालना है, ये वाला हम लोग को क्या करना है, पद निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये भैया क्वेश्चन मार्क है, तो ये आना चाहिए कि कितना इसमें जोड़ें जो आपका यहाँ पे आ जाए। तो आपका 32 गुना 2 करेंगे पहले वाले पैटर्न के हिसाब से, तो 32 गुना 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ दिया गया है 68 दिया गया है, तो हमको बराबर में 68 आना चाहिए ना। तो 32 गुना 64, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 64 और बराबर क्या हो जाएगा आपका, 68 हो जाएगा। जब ये 68 आपका हो जाएगा तो हमको क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 68 माइनस 64 बराबर कितना आंसर होगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 68 में से 64 घटाएंगे तो आपका 4 आने वाला है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे ही ट्रिक के साथ, जो दो आपका कॉलम फॉलो करेगा, ये दो आपका रो फॉलो करेगा, उसके बाद तीसरा तो उसी पैटर्न पे आपका फॉलो करने वाला है। चलो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। देखो ये जो आपका फिगर दिया गया है, ये फोटो में आपका क्या है, देखने से लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को थोड़ा सा मैथ का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो आपसे आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये पहला फोटो दिया है और ये आपका दूसरा फोटो दिया है, ये इसमें आपका पूछ रहा है कि यहाँ जो छिपा हुआ पद है वो आपका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 16 25 36 और 9 दिया गया है, 25 36 49 और 16 दिया गया है, 49 81 और 36 दिया गया। तो देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि भाई साहब ये जो आपका है स्क्वायर किया गया, ये आपका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो ये देखो ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है और ये आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ ये आपका 6 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 9 का स्क्वायर। देखो यहाँ से 3 से स्टार्ट किया है और यहाँ 4 तक, ये 5 और 6 तक जा रहा है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में आपका क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। 3 के बाद 4 का स्क्वायर, 4 के बाद 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 का स्क्वायर। यहाँ भी वही किया है, 4 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 दिया है, मतलब सबसे छोटा अंक उठा रहा है, उसके बाद सारा का स्क्वायर करते जा रहा है। सारा का क्या कर रहा है आपका, स्क्वायर करते जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। सारा का आपका स्क्वायर करेगा तो आपका 6 का स्क्वायर किया है, फिर आपका 7 का स्क्वायर किया और यहाँ 9 का स्क्वायर किया है, तो बचा आपका क्या, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 64 होता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, मॉडरेट लेवल है, आसान नहीं है जो मैंने पहले बताया, और इसके बाद हम लोग चलेंगे डिफिकल्ट वाले लेवल पे, ठीक है, आया समझ में। चलो चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन में देखने से थोड़ा लग रहा है कि भैया इसमें कोई भी आपका छोटा अंक नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया, छोटा अंक, जिससे हम लोग हमेशा पकड़ते थे कि ऐसे क्वेश्चन में छोटा अंक देगा तो उसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें सारा आपका सिमिलर अंक दिया गया, समान अंक दिया गया, लगभग समान है आपका 42 44 38 25 55 28 37, ये खाली वाला पद है जो गायब पद है, ठीक है, और 39 दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका गुना नहीं कर सकता, अगर वो गुना करेगा तो अंक बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। भाग करेगा तो दोनों में भाग लगेगा नहीं, डिवाइड आपका होने वाला है नहीं। तो दो तरीके से हम लोग देखेंगे, पहला क्या कि रो बेस्ड देखेंगे, दूसरा क्या कि कॉलम बेस्ड हम लोग देखेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहले कॉलम वाइज देखेंगे, तो 42 23 और 27 है, तो या तो ये 42 लाएगा इस दोनों में कुछ ना कुछ करके, या फिर 37 लाने वाला है 42 और 23 में कुछ ना कुछ करके। तो हम लोग देखेंगे 37 और 42 यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, 5 जो यहाँ 5 है नहीं, तो पहला वाला मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। जोड़ेंगे तो ज्यादा जाएगा, घटा सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे 37 और 23 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 42 नहीं आने वाला है।
इसका कोई मामला नहीं चलेगा कॉलम वाले में। हम लोग रो वाले में देखेंगे यहाँ पे कि 42 माइनस 38, पहला 42 माइनस 38 अगर होगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 28 माइनस 23 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। तो ये 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला में क्या करेंगे, 39 माइनस 37 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 आपका ऑप्शन में भी होगा, तो कुछ नहीं किया गया है, वर्ड को रिपीट कर दिया गया है, मतलब दोबारा लिख दिया गया है, जो अंक आया आपका घटा के उसको क्या किया आपका, दोबारा लिख दिया है। इसे 4 है तो 4 को एक बार और लिख दिया, 5 है तो 5 को एक बार और लिख दिया, और 2 है तो 2 को एक बार और लिख देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 22 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो काफी सोचोगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे से नहीं बनने वाला है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 50 से 60 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो पक्का ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी बन जाएगा। बस आपका प्रकार क्लियर रहना चाहिए, बस आपका टाइप क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन का, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। चलो चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप कहने का मतलब है कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि नंबर वाले में विषम पद चुनना है, लेकिन इसमें आपका दिया गया, इसमें से आपका भिन्न चुनना है। देखो कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन में आपका क्या करेगा, यहां आपका दिया गया है ऑप्शन, यहां क्या दिया गया है ऑप्शन, मतलब ए के ठीक सामने, बी के ठीक सामने, सी के ठीक सामने, डी के ठीक सामने, कौन सा गलत है हमको ये चुनना है। तो कौन सा, W का पोजीशन, अगर आप लोग पोजीशन नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिएगा, पोजीशन पता होना चाहिए कि W का पोजीशन 23 होता है, L का पोजीशन 12 होता है, Q का पोजीशन 17 होता है, तो I का पोजीशन आपका 9 होगा, I का पोजीशन कितना होगा, 9 होगा यहां पे, और लिखा क्या गया है, 10 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका गलत है, और हमको गलत वाला ही आंसर चाहिए, हमको क्या चाहिए, गलत वाला ही आपका आंसर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी दिया गया, बी नंबर वाले में देखो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का है, आसान है लेकिन देखने में ज्यादा टफ लगता है, समझ में नहीं आता है कि ये वाला ऑप्शन होगा कि ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें करना क्या है, ठीक है। तो भ्रमित नहीं होइएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका, ये वाला ऑप्शन दिया गया है और नीचे वाला आपका सारा का पोजीशन दिया गया है, जो पोजीशन आपका मैच नहीं करता है वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, यहां देखिए क्या किया गया है, ये जो आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 3 आपका छड़ी दिया गया, नीचे भी 3 छड़ी है, और सब पे आपका अंक लिखा गया, सब पे क्या लिखा गया है, अंक लिखा गया है, बीच वाला भी अंक लिखा गया है, यहां भी, यहां भी, और यहां आपका खाली पद छोड़ दिया, यही हमको पता करना है कि बीच वाला अंक जो होगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे, ये इतना बड़ा अंक ला रहा है, 551 है, 246 ला रहा है, और ये वाला हमसे पूछ रहा है, तो ऊपर वाले में 3 है 915, नीचे वाले में भी 3 है, ऊपर वाले में भी 3 है, नीचे वाले में भी 3 आपका अंक दिया गया है, यहां भी 3, यहां भी 3, तो कुछ ना कुछ तो जोड़ा गया होगा या फिर घटाया गया होगा, है ना, या फिर सबके साथ जोड़ा गया होगा या फिर एक एक करके घटाया या जोड़ा गया होगा, तभी इतना अंक आने वाला है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे ये बनेगा, अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे कि 915 और 364, 915 और 364 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो पहला वाला देखिए 915 और 364, तो 915 को यहाँ एक साथ लिख दिए, 364 को एक साथ लिख दिए, अब इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमको चाहिए कितना, 551, तो घटा के देखते हैं, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये बचा आपका 8, 8 में से 3 जाएगा आपका 5, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर जो है यहाँ पे आ चुका है कि 551 वहां आ रहा है घटाने के बाद, तो यहाँ भी आपका 551 आएगा, पहला तो आ गया है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे 543 और ये 7, 8, 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा आपका क्या होगा, 4 होगा, और 6 में से, ये 7 में से 5 जाएगा आपका
दो होने वाला है, ये भी 246 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, इसको क्या करेंगे, 863 माइनस 241 करेंगे भाई साहब, जो इसमें इसमें लागू हुआ है वही हम इस वाले पैटर्न में भी क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं। तीन में से एक गया दो, छह में से चार गया दो, आपका आठ में से दो गया छह, मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 622 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 622 हो जाएगा, मतलब बी नंबर जो होगा आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका फोटो भारी देगा, फोटो आपका देखने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उसका तरीका जो होगा अगर आपको पता है तो काफी आसान होने वाला, कुछ भी टफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पांच और चार लिखा गया, 20 और 9 लिखा गया पहला वाला फोटो में, पहला वाला फिगर में। दूसरा क्या है कि आपका 3 और 8 लिखा गया, 24 और 11 लिखा गया। तीसरा आपका है 9 और 4, और यहाँ छिपा हुआ पद है, यही हमको ढूंढना है, और ये 13 लिखा गया। थोड़ा भी हम लोग देर नहीं करेंगे, आसान क्वेश्चन है, आसानी से बनाएंगे। अगर 5 को 4 से गुना किया जाए तो कितना आएगा, 20, 5 गुने 4 बराबर 20 होगा, और यही अगर 5 और 4 को जोड़ा जाए तो आपका कितना आने वाला है, 9 आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी आपका देखिए 8 तेरी 24 होगा, मतलब 3 गुने 8 बराबर 24 हो जाएगा, और 3 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 24 11 दोनों आपका यहां और यहां पे है, आपका अवेलेबल दिया गया है। अब पहले वाले में तो गुना करेंगे, दूसरे वाले में जोड़ेंगे, तो 9 गुने 4 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, और आपका फिर 9 प्लस 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आने वाला है, आपका 36 आने वाला है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, वृत्त वाला भी क्वेश्चन आपका 3-4 तरीके का हो गया, स्क्वायर वाला भी हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसमें हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आसान है वो कैसे आसान है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से कि 6, 5, 4 और 120 लिखा गया है, 7, 4, 3 और 126 लिखा गया है, 8, 5 और ये वाला पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो 320 लिखा गया है। हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, छोटा पद या छोटा संख्या उठाएंगे जो ज्यादा आसान होगा गुना भाग जोड़ घटाव करने में, ठीक है। तो यहां अगर यहां देखेंगे 6, 5, 11, 4, 44 नहीं आएगा, या फिर तीनों को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, भाग देने से भी नहीं आएगा, और घटाने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग गुना करके देखेंगे, 6, 5, 30, 6 गुने 5 गुने 4, 5, 4, 20 और 20 छक्का 120 होता है, पहला वाला तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा 6 और 7 को गुना करेंगे, 6 गुने 7 गुने आपका 3, 7, 6, 42 गुने 3 बराबर 126 आएगा भाई साहब। तीसरा आपका क्या है कि आपका 8 और 5 दिया गया है, तो ऐसा क्या इसमें गुना करें जो आपका 320 आ जाए। अगर 8, 5 को यहाँ पे गुना करेंगे, 8 गुने 5 गुने क्वेश्चन मार्क बराबर 320 आएगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 8, 5, 40 और क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ 320 भागा, यहाँ पे क्या आएगा, 40 आने वाला है, और 4, 8, 32 होता है क्या, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे कि 8 लिखेंगे तो 8, 5, 40 और 40, 8, 32, 320, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन में आपका दिया गया है बी नंबर, आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होने वाला है। तो आई बात समझ में कि छोटा नंबर से उठाएंगे जल्दी क्वेश्चन बनेगा, अगर बड़ा नंबर पे जाएंगे तो फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन किस प्रकार का है, आसान है, लेकिन ये अगर ऐसा दे देगा तो हम लोग सोचते हैं कि जोड़े घटाए कैसे क्या किया गया होगा। इसमें दो तरीका है करने का, या तो 2 से स्टार्ट करेगा तो वो बढ़ते क्रम में चला जाएगा, ठीक है, या फिर इसके ठीक सामने वाले नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब किया गया होगा। 2 के सामने आपका 3 है, 5 के सामने आपका 9 है, 11 के सामने आपका 7 है, और 6 के सामने आपका 11 है, और 7 के सामने आपका खाली पद है, वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हम लोग देखेंगे कि 2 से 3 कैसे आया, 5 से 9 कैसे आएगा, 6 से 11 कैसे आएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि 2 गुने 2 करेंगे बराबर 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा।
पांच गुने दो करेंगे 10 आएगा, 10 माइनस एक करेंगे तो 9 आएगा, 6 गुने दो करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 माइनस एक करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 11। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 7 गुने दो करेंगे तो ये 14 होगा, माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 13 आंसर होगा, और 13 आपके ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो आई बात समझ में। अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है। ऐसा क्वेश्चन में हमको क्या बोला यहाँ पे, किसमें से विषम या फिर असंगत को चुनिए जो आपका सबको फॉलो नहीं करता है, इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो तीनों को फॉलो नहीं करेगा। तो ये अल्फाबेट दिया गया, वर्णमाला दिया गया, वर्णमाला का नंबर ऊपर लिखा गया होगा, तो या तो वर्णमाला का नंबर लिखा गया होगा या फिर उसके कुछ सीरीज से उसका कुछ सीक्वेंस है, कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा। ठीक है, जैसे ए का पोजीशन देखो लिखा गया, नंबर जो लिखा गया है वो आपका स्थान लिखा गया, वर्णमाला का स्थान लिखा गया है, भले ही देखने में बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ए का एक होता है, ई का पांच पोजीशन होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, यू का 21 होता है पोजीशन, बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, बी का आपका 2 होता है पोजीशन। तो भैया पोजीशन तो सबका सही लिखा गया, पोजीशन के आधार पे हम लोग इसको छांट नहीं सकते हैं, विषम हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जरा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि देखो ए है, ई है और टी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, और यहाँ भी आपका बी है, मतलब जो पहला लेटर है, पहला जो आपका अक्षर है, ठीक है, पहला अक्षर ए है और जो अंतिम अक्षर है आपका, जो आपका अंतिम अक्षर है, ध्यान देना, अंतिम अक्षर है आपका बी है। यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है, और यहां भी आपका वही बात है, लेकिन क्या पहला वाला में वही बात है क्या? पहला वाला में तो पहले आपका ए है तो ये सही हो गया, लास्ट वाले में तो आपका बी होना चाहिए ना, ये आपका बी नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आया बात समझ में। ऐसे ही बनाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे देखिए बताते हैं। ऐसा आपका सवाल दिया गया है, सवाल में हम आपको बताए थे कि जब भी अगर ऐसा बॉक्स वाला छिपा हुआ नंबर हमसे पूछेगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे आपका कि सबसे छोटा नंबर को उठाएंगे, लेकिन आप लोग अभी क्या बोलिएगा, सर ये तो सारा का सारा छोटा ही नंबर है, ये आपका सारा का सारा क्या है, छोटा ही नंबर है, तो हम कौन से छोटे नंबर को उठाएं, आपका सवाल ये भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो या तो सबको जोड़ा गया होगा या तो सब में से कुछ ना कुछ घटाया गया होगा, और सबका जो भागफल या फिर योग आएगा या फिर माइनस करके आएगा सब आपका बराबर आने वाला है। हम लोग चेक करेंगे पहला रो वाला से और दूसरा कॉलम वाला से। तो कॉलम वाला से अगर चेक करेंगे तो 3, 5, 4 बराबर 9 होगा, लेकिन 6, 8 और 7 बराबर क्या हो जाएगा 8, 6, 14, 7, 21 हो जाएगा। तो ये तो मैच नहीं किया, ये दोनों तो मैच करना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपका, ठीक है, तो बराबर नहीं हुआ तो ये वाला तो ट्रिक काम नहीं करेगा मेरा। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या करेंगे, हम लोग रो वाले से ट्राई करेंगे, जैसे 3 + 6 + 8, 8, 6, 14 और 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 17 हो जाएगा। दूसरा वाला में 5, 8 और 4, 5, 8 और 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तीनों को तो 8, 4, 12, 5, 17, हाँ ये देखिए ये वाला जो आपका सही हो रहा है, क्योंकि 17 आपका ऊपर भी 17 आपका नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या आपका यहाँ पे कि 4 + 7 + 8 यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, तो 7, 4, 11 और 17 - 11 क्या हो जाएगा आपका 11, तो आंसर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 6 रख देंगे। ठीक है, 7, 4, 11, 6 आपका 17, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी रिजल्टेंट आपका 17, इसका भी आपका 17 आ रहा है और इसका भी योग जो है 17, मतलब सारा का योग कर दिया गया छोटा नंबर में। छोटा नंबर अगर दिया रहेगा तो ऐसे ही प्रश्न को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन का सेट जो है आपका
10 से 12 क्वेश्चन का सेट मैंने इसमें करवाया आपको और काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, इससे और बढ़िया सेशन लेकर आएंगे। आप लोग का एक प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड है, जाकर वहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हो, जिसमें आपका क्लॉक का भी वीडियो है, आपका साइलो का भी वीडियो है और मिक्स क्वेश्चन, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है एग्जाम के रेलेवेंट। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।